Good morning to all of you. Welcome to the English class. So student, today we are going to start our composition part. Okay, so in which we will cover our application, and after the application we will study our vocabulary part, in which we cover two topics as a number and opposite. So student, so let's start our composition part. So before start the compositions, you have to know about the composition. Yes, composition means, you know student, the formation of compound from separate words. Yes, composition is a fundamental writing skill you can use anywhere, anytime. A composition takes several ideas and put them in order so reader can understand an idea or argument. So in English you have to write as a composition. Yes, it develop your writing skill. जो हम जो composition part हम कर रहे हैं वो क्या करती है, आपकी जो writing skill है वो क्या करती है, डेवलप करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर कंपोजिशन पार्ट. नंबर वन इज देयर एज द एप्लीकेशन राइटिंग. ओके, सो नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्ट राइटिंग द एप्लीकेशन, देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर द एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी रिटन बाय द स्टूडेंट. ओके, टू द प्रिंसिपल. सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू चूज द राइट वर्ड्स. ओके, while writing the application, every words in the application should show request and manner, and the first and necessary step to write an application form its format. सबसे जरूरी क्या होता है बच्चों इसमें, एप्लीकेशन जब भी हम राइट करते हैं तो उसमें जरूरी क्या होता है, हमारा फॉर्मेट. इफ द फॉर्मेट इज करेक्ट, एवरीथिंग विल बी क्लियरली अंडरस्टूड. और एज सून एज यू सी योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड व्यूअर विल आल्सो लाइक टू रीड योर एप्लीकेशन फॉर्म. ओके, सो नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट फर्स्टली एज अ फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन. Okay, so now format of application. So firstly, you have to write as a two. After that, you have to write the authority name. Authority name means as a principal. हम जिसको application लिख रहे हैं, so here we write as a principal. After that, you have to write school name. Okay, now after the school name, you have to write as the institute address, means school address. Now you have to complete the principal name, school address, and after that you have to write as a subject. So subject of your application, as our application is here as a request for free concession, so you have to write this subject. Okay, after that you have to mention the date. Okay, so date, the format of date is here, you can write here as April 23rd year 2021. Okay, so you have to write like this, 23rd April 2021. ओके, सो यू हैव टू राइट बोथ फॉर्मेट. किसी भी फॉर्मेट में आप अपनी डेट लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हियर सैल्यूटेशन. यस स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन इज द वे ऑफ ग्रीटिंग समवन होम वी आर राइटिंग द एप्लीकेशन. सैल्यूटेशन क्या है? एक ग्रीटिंग होता है. हम किसी को, हम क्या कर रहे हैं जब हम अपनी एप्लीकेशन में लिख रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, तो ये क्या होता है बच्चों, एज अ सैल्यूटेशन. नाउ आफ्टर दिस सैल्यूटेशन यू हैव टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ एप्लीकेशन. उसके बाद बॉडी ऑफ एप्लीकेशन याद करनी है. अब कैसे स्टार्ट करनी है, देखिए नेक्स्ट द फर्स्ट थिंग यू शुड राइट एंड द एप्लीकेशन इज द इंट्रोडक्शन. क्लियर? इन इंट्रोडक्शन वी कैन मेंशन आवर नेम, क्लास, सेक्शन. यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन व्हाइल राइटिंग द एप्लीकेशन. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज रिटन करेक्टली. ओके, द सेकेंड थिंग इज रीजन. अब आपको रीजन तो बताना है कि आपको एप्लीकेशन आप किस रीजन से लिख रहे हैं. द स्टूडेंट शुड राइट द रीजन फॉर लीव इन द एप्लीकेशन प्रॉपरली. को प्रॉपरली एप्लीकेशन में बताना है रीजन. एवरी वर्ड इन द एप्लीकेशन शुड शो द रिक्वेस्ट एंड मैनर. ओके, नाउ वी शुड मेंशन द पर्पस स्पेसिफिकली फॉर व्हिच यू आर रिक्वेस्टिंग टू लीव द बेस ऑफ द एप्लीकेशन. ओके, नाउ एप्लीकेशन शुड बी द शुड टू द पॉइंट एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन यू शुड थैंक whom you are writing the application. Now next is the subscription. Subscription means yours or yours obediently. Okay, so in subscription you should write yours obediently and then your name and section. So now student, yes, this is the way to write your application. Now I'm sharing you
example of application. Yes. Question number one. Write an application to the principal of your school for fee concession. अब आपको अपने स्कूल में अपने जो प्रिंसिपल है उनको एक एप्लीकेशन लिखनी है. किसके लिए लिखनी है? फी कंसेशन. अब फी कंसेशन मींस क्या होता है? देखिए, फी जो आप जो फी पे करते हैं उसमें कंसेशन, उसमें छूट चाहिए आपको. कंसेशन मींस क्या होता है? एक्सेम्पशन मीन बोलते हैं कि मुझे उसमें विशेष छूट चाहिए. क्यों चाहिए छूट, क्या रीजन रहेगा, क्या इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, वो हम सारा कवर करेंगे अपने बॉडी पार्ट में. लेकिन मैंने अभी आपको फॉर्मेशन बताया था स्टार्टिंग करने से पहले कि हम जब एप्लीकेशन राइट करेंगे तब आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपने एप्लीकेशन को लिखना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. सो फर्स्टली यू हैव टू मेंशन टू. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इंस्टीट्यूट. आपको बताना है कि आपके क्या काम, किसको भेजना है एप्लीकेशन, किसको लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल. अथॉरिटी नेम लिखना है. नेक्स्ट इज हम बता रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूट हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे. हमारे इंस्टीट्यूट का नेम क्या है? एज ए लियाल पब्लिक स्कूल. आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द एड्रेस. कहां पर है हमारा स्कूल? एज ए बीकानेर. सो यू हैव टू राइट टू द प्रिंसिपल लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द डेट. आपको मेंशन करनी है डेट. सो स्टूडेंट टुडे डेट इज 3rd May 2021. Okay, so you have to write a date. Okay, so I telling you about the two format of the date. You can write as April 18, 2031. You can write as a May 3rd, 2021. Okay, so now after that we have to mention as a subject. Ab subject is very important. Subject important hai ki subject se humko pata chalta hai ki application kiske bare mein hai. So application kiske bare mein hai? Application is about the request for fee concession. Hum kya kar rahe hain? Fee concession ke liye request kar rahe hain. After that you have to write salutation. In salutation you have to write respected ma'am. Aapko kya batana hai? Usme likhna hai respected ma'am. So this is all over about your format. So now next is your body of the application. So now let's start. Yes. With due respect, I beg to say that I am a student of class 4A of your school. मैं रेस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं इस क्लास आपके स्कूल में क्लास 4 का स्टूडेंट हूँ. आई एम अनेबल टू पे माय स्कूल फीस. मैं अपनी जो स्कूल फीस है उसको पे करने में असमर्थ हूँ. बिकॉज माय फादर इज अ क्लर्क इन अ प्राइवेट फर्म. क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो प्राइवेट फर्म में क्या है? एज अ क्लर्क है. ही गेट्स अ स्मॉल सैलरी. ही किसके लिए यूज कर रहे हैं? एज अ फादर के लिए. तो वो क्या प्राप्त करते हैं? एक स्मॉल, मतलब उनकी जो सैलरी है क्या है? बहुत कम है. ओके, सो ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट. लेकिन उनकी सैलरी तो कम है लेकिन उनके पास उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है? उनको सपोर्ट करना होता है अपनी लार्ज फैमिली को. उनकी जो फैमिली है वहाँ की जो कैंडिडेट वहाँ जो मेंबर है वो बहुत सारे हैं और उनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है. सो ही इज नॉट एबल टू पे माई फीस. इसलिए वो मेरी फीस पे करने में एबल समर्थ नहीं है. क्लियर स्टूडेंट? अब आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया कि हमको एप्लीकेशन लिखनी थी फी कंसेशन के लिए. तो हमने बता दिया एज ए रीजन बता दिया साथ में कि मेरे पिताजी जो है वो स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, कृपया आप मुझे उसमें कंसेशन दीजिए. क्यों नहीं पे कर सकते? रीजन बता दे कि मेरे पिताजी को एज ए प्राइवेट फर्म में वर्क करते हैं, उनके बहुत ही कम सैलरी है और लेकिन उनको हमारी जो फैमिली है बहुत लार्ज है, उनका सपोर्ट भी करना होता है, इसलिए वो मेरी स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते. ओके, सो नाउ आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन दिस ईयर. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रांट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? एज ए गिविंग, स्वीकृत करना कि फुल फी कंसेशन दिस ईयर, कि इस साल मुझे हमारी जो फीस है उसमें क्या दे, पूरी छूट दे दीजिए हमारी फीस में. यस, आई शैल बी थैंकफुल टू यू. इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट यस योर ऑबीडियंटली, योर्स ऑबीडियंटली. नाउ मेंशन योर नेम, class and roll number. Okay students, so this is your application. So one important thing is here, you have to write the application in format. Aapko format ke according hi apni application write karni hai. Okay, so this is the format of application. You have to write this application. This application is request for fee concession.
Clear, student? So now, next topic is our vocabulary part, as we will cover as a number and opposite. जो आपके number और opposite जो जो topic आपके vocabulary part में आ रहे हैं, आज हम इसको cover करेंगे. Okay, students. So let's start the number. किस noun base और number हम बात करते हैं noun. जो noun base किसके होते हैं? Can be classified as a singular or plural. हम किसमें क्लासिफाई करते हैं बच्चों इसको? सिंगुलर में और प्लूरल में. यस, सिंगुलर मींस वन, प्लूरल मींस मेनी. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव वन बुक विद यू, अब आपके पास एक ही बुक है आपके पास, सो यू विल कॉल इट वन बुक. ओके, इफ यू हैव मोर देन वन बुक, अब आपके पास एक से ज्यादा बुक है, दैट मींस यू हैव बुक्स. ओके, एंड इन द सेम वे आई हैव मेनी मोर एग्जांपल. यस, बुक, बुक्स, arrows. Okay, so now start the formation. So student, जब भी हम singular से plural में हम change करते हैं, तब हमारे सामने कुछ ऐसे rules होते हैं, जैसे हम कुछ form करना होता है कि singular से plural में हम as a words, as a जो भी noun है उसमें change करते हैं, तो कुछ हमको rules follow करने होते हैं. So let's start the rule. Okay, rule number one, to form plural of most nouns, we add s to the singular noun. हम बात कर रहे हैं किसकी? सिंगुलर से प्लूरल हमको जब चेंज करना होता है, हमको जस्ट ऐड क्या करना होता है? एस. इसमें तो सिंगुलर नाउन, हर नाउन इज गिवन हियर एज अ एरो, केक, लाइन एंड काइट. ओके स्टूडेंट, सो नाउ गिविंग एग्जांपल एज अ एरो. इफ यू हैव वन एरो, इट कॉल्ड एरो. अब आपके पास एक एरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरो. इफ यू हैव more than one arrow, so they are known as arrows. So we kya kehlayenge? Arrows. So you have just add s and it will become arrows. Similarly, one cake is a cake and many are cakes. So sir, we just add s. Okay, humne kya add kiya? S. So just like as a line, so we just add s, lines. Kite, kites. So students, you notice when to form plural of most nouns, so we just add s to the singular noun. Now rule number second, nouns which end with s, double s, sh, ch, x, z, es, जो भी जो nouns होते हैं वो end होते हैं किससे? जो end हो रहे हैं जिससे, s से, जो last letter हमका, देखिए आप notice कर रहे हैं. So examples are given here. Bus, तो end किससे हो रहे हैं? sa. Bunch, ch, तो end किससे हो रहा है? ch से. Dish, end किससे हो रहा है? ss से. तो you have to notice the letter. Okay, so now this noun which end with s, double s, sh, ch, so form their plural by adding es. तो हम जब भी इनको जो form करेंगे, हम क्या add करेंगे? es add करेंगे. So let's look into example. Bus, buses. Clear? And किससे हो रहा है? ss से. तो only we have to add yes, buses. Bunch, bunches. अब bunches में हमने es add किया, why? Because the last letter, last two letter देखिए आप, ch, ch है, notice कर रहे हैं आप, ch, so here we make a plural, bunches. Dish, dishes. Class, classes. Fox, foxes. Place, places. Okay student, clear? तो rule number second. Now let's start the rule number third. Most of the nouns that end in consonant plus o need es to form plurals. अब हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ हमारे जो noun होते हैं वो end किससे होते हैं बच्चों? O से. लेकिन O से पहले क्या होना चाहिए? Consonant. So we have to need es to form plural. अब हम जब उनको singular से हम plural form करेंगे, तो हमको उसमें just क्या add करना है? Es. So student, yes, noun that end in consonant plus O. Now here, what a consonant is in the English language, you have know very well that in English language 26 letter, yes, starting from A to Z. Now in this letter you have 5 vowel. Okay, do you remember A, E, I, O, U? Now there are vowels and remaining are consonants. So if your noun is ending with O or just before O, so all you have a consonant, then you will add es to form plural. So that is very simple. So just have a look to the noun given to you. If it is ending with O or just before O, you have
a consonant. So that means you have to add es to make a plural. आपके पहले o होगा last letter, उससे पहले आपको consonant दे रखा होगा, तो आपको just add क्या करना है, es to make plural. Okay. Now example is here hero. तो अब आपने notice किया hero, the last letter is o and o before the o here consonant. Consonant क्या है यहाँ पे, r is here as a consonant. So you have to make a plural. So you just add es. Hero. Heroes. Okay. Next one is here buffalo. So you notice last letter O and before the last letter consonant is here L. Buffalo. L is here. So you have to mention. You have to make a plural. You just add yes. Buffaloes. Next is mango. So you notice. M-A-N-G-O, O is here, last letter, and before the O, consonant is here. So you just add ES to make a plural, mangoes, mango, mangoes. Okay, student? So student, I hope you have to clear the rule number third. Rule number fourth. Here, student, you know that some exception. Exception means कुछ अपवाद होते हैं. तो हमको वही rule को follow करना होता है. देखिए, number one is here. Chief. So here you don't write C-H-I-E-V-E-S. You have to write chief, C-H-I-E-F-S. Clear? Proof. Proofs. Roof. Roofs. Scarf. Scarfs. Hoof. Hoofs. Draft. Drafts. Okay, students. So this is an exception. So you have to write this as a to make a plural. You have to proof. Proofs. Roof. Roofs. Okay? Now, rule number fifth. In the noun that end with a consonant plus y. अभी हमने बात करी थी कि consonant plus o. Okay, अब हम बात कर रहे हैं consonant plus y की. So now we replace y with ies. हम y को किससे replace कर रहे हैं बच्चों? Ies के साथ. Okay, so now let's look into example. Example are given. Yes, city. So you have to replace y with ies. You notice city to make plural cities. C-I-T-I-E-S. Cities. Lady. Ladies. Diary. Diaries. Story. Stories. So you notice we replace y and with y replace y with and replace with ies. We just add ies. हमने क्या कर दिया, y को replace कर दिया किससे, ies. So story make a plural stories. Okay, now let's start the next exception. So some words do not follow some rules. अब हम देखते हैं कि कुछ words होते हैं rule follow करते ही नहीं है. देखते हैं, देखिए man, man. So one man की हम बात करेंगे तो हम use करेंगे man. So one then more. So man अगर एक से ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, एन ई एन. मैन. विमेन. विमेन. चाइल्ड. चिल्ड्रन. ऑक्स. ऑक्सन. फूट. फीट. लाउस. लाइस. माउस. माइस. टूथ. टीथ. सो दिस इज योर एक्सेप्शन. सो यू हैव टू लर्न द सिंगुलर टू प्लूरल. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सम नाउन्स डू नॉट चेंज एट ऑल. अब दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दे रिमेन द सेम. कुछ जो हमारे पास जो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर से प्लूरल में हम चेंज करते हैं तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम एट इज हम वैसे ही उनको लिखते हैं. देखिए शिप. शिप. Series, series. Species, species. Deer, deer. Fish, fish. You notice the हमने ship, ships या ship says हमने ऐसा कुछ लिखा तो ship का singular भी ship होगा और plural भी क्या होगा बच्चों, ships ही होगा. तो ships as हम add नहीं करेंगे ना is add करेंगे. Okay, तो you have to learn this singular to plural. आपको ये learn करने पड़ेंगे. कुछ अपवाद होते हैं, हर किसी में कुछ अपवाद होते हैं, उसमें कुछ rule follows नहीं होते. तो हम इसी की बात करते हैं कि जो अपवाद होते हैं इसमें आपको वैसे ही उनको लर्न करना पड़ेगा. जैसे अभी हमने अभी मैंने आपको बताया था चाइल्ड. चिल्ड्रन. ऑक्स. ऑक्सन बताया था ना, ये भी क्या एक्सेप्शन है तो आपको लर्न करने होंगे. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब हमको जो फॉलोइंग जो सिंगुलर है उनको क्या यूज करना है एज अ प्लूरल फॉर्म में हमको राइट करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. यस, नंबर वन इज इट चाइल्ड. चिल्ड्रन. Ox, oxen. Goose, geese. Now next is here tooth, teeth. Thief, thieves. Hero, heroes. Baby, babies. You notice student, baby. Y को replace किससे हमने किया, ies से. Desk, desk.
women, women, candy, candies. Next, rose, make a plural, roses. Deer, deer. Ship, ship. News, news. तो आपने नोटिस किया ये एक्सेप्शन है कि अपवाद है जिसमें हमको उसमें किसी में एस आई एस ई एस हमको एड नहीं करना, सेम के सेम ही रहेंगे. डिश, डिशेस. फ्लाई, फ्लाइज. स्टोरी, स्टोरीज. वॉच, वॉचेस. मेड सर्वेंट, यस मेड सर्वेंट्स. Box, boxes. Okay, so this is your as a plural form of the following words. Okay, students. So, student, I hope you have to clear the topic number. Now, student, let's start the opposite. So, the opposite topic become your exam. So, you have to learn this opposite. Okay, students, let's start. Write the opposite of the following words. Opposite को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उसका उल्टा. हम उसको क्या बोलते हैं? उसका अपोजिट. क्या है? इसका अपोजिट है ना. तो अपोजिट मींस क्या होता है? उसका उल्टा. देखिए, वर्ड्स आर गिवन हियर. यस, फुलिश. फुलिश मींस क्या होता है? बुद्धिमान. सॉरी, फुलिश मींस मूर्ख. एंड वाइज मींस क्या होता है? बुद्धिमान. तो अपोजिट हो गया फुलिश का वाइज. बिल्ड, बनाना. डिस्ट्रॉय, नष्ट करना. हैंडसम. हैंडसम मींस सुंदर. अगली मींस हम बोलते हैं अगली बंदा, है ना, गंदा. तो हैंडसम का अपोजिट क्या हो बच्चों? अगली. नेवर, ऑलवेज. नेवर मीन कभी नहीं. ओके, ऑलवेज हमेशा. विक्ट्री, जीत. डिफीट. डिफीट मतलब क्या होगी? हार. ओके, नाउ नंबर सिक्स, इविल. इविल मीन्स क्या होती है? बुराई. गुड मीन्स अच्छाई, अच्छा. नंबर सेवन, यूजफुल. अपोजिट ऑफ यूजफुल, यूजलेस. कोई भी चीज हमारे लिए क्या है? उपयोगी भी हो सकती है, कहीं हमारे लिए यूजलेस भी हो सकती है, अनुपयोगी. नंबर एट, काइंड. काइंड मीन्स दयालु. अनकाइंड, दयालुता. जिसमें दयालुता नहीं हो वो क्या कहते हैं? अनकाइंड. नाउ नेक्स्ट इज योर लाइक. अपोजिट ऑफ लाइक, डिसलाइक. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट ईमानदार नहीं है जो भी, उसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट. नाउ नंबर 11 इज हियर डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन, हियर अपोजिट ऑफ डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन. नंबर 12, लीगल. लीगल मीन्स क्या होता है? कानूनी. हम जब बात करते हैं कि हाँ ये लीगली है, लीगल है. तो नेक्स्ट इज हियर अपोजिट इज हियर इलीगल. जब हम कानून के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एज ए अपोजिट, इलीगल. इनडोर, आउटडोर. यस, पॉसिबल, संभव होना. इम्पॉसिबल, असंभव होना. नेक्स्ट इज हैप्पी मीन्स खुश. अनहैप्पी या वी कैन सी एज अपोजिट ऑफ हैप्पी, सैड, दुखी होना. ओके, मैनी, बहुत सारे. फ्यू मीन्स बहुत कम. हम फ्यू की बात करेंगे, कुछ कम, और मैनी बहुत सारे. फॉरगेट. फॉरगेट मीन्स भूल जाना. रिमेम्बर, याद रखना. फ्रेंड, अपोजिट ऑफ फ्रेंड, एनिमी. ओके, फ्रेंड है वो तुम्हारा दोस्त है. एनिमी मीन्स क्या है? दुश्मन. अफ्रेड, डरना. ब्रेव, बहादुर. नाउ नंबर 20, यूज. यस, यूज. एंड अपोजिट ऑफ यूज, मिस यूज. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट आई होप यू हैव टू क्लियर द थ्री टॉपिक्स एज एप्लीकेशन, अपोजिट एंड नंबर.